हेलो किड्स, वेलकम टू पीएस ट्यूटोरियल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरी ऑफ इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड टू, लेसन नंबर 4.4, स्टोरी टाइम। एंड द नेम ऑफ स्टोरी इज़ व्हाट डू यू सी। ओके बच्चों, आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की, स्टैंडर्ड टू की। और जो स्टोरी का नाम है व्हाट डू यू सी। ठीक है, तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले रीड करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत। अर्जुन द प्रिंस, हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स वे बीन ट्रेन्ड इन आर्करी एंड वेयरक्राफ्ट बाय द ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, किड्स, ये स्टोरी महाभारत की स्टोरी है। महाभारत सबने सुनी है, देखी भी होगी टीवी पे, राइट? तो ये स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी है, महाभारत में से ये ली गई है। एक अर्जुन प्रिंस रहता है, एक राजकुमार रहता है जिसका नाम रहता है अर्जुन, और उसके भाई और उसके कजिन्स को जो द्रोणाचार्य है, जो बहुत ही ग्रेट टीचर है, किसके, आर्करी के, मतलब ये धनुष चलाना सीख रहे, ये एरो चलाना सीख रहे, इससे इंग्लिश में आर्करी कहते हैं। तो द्रोणाचार्य इन्हें आर्करी सिखाते थे, द्रोणाचार्य इन्हें धनुष चलाना सिखाते थे। वंस द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल हिज स्टूडेंट, ही सेड आई वुड लाइक टू सी हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग योर आर्करी स्किल्स, आई विल टेक अ टेस्ट। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर बुलाया और उनसे कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग धनुष चलाना कितने अच्छे से सीख रहे हो, मैं तुम्हारे स्किल्स की टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहता हूँ जिससे पता चलेगा कि तुम लोग अपना प्रैक्टिस कितना अच्छा कर रहे हो। सो द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट टुगेदर, ही प्लेस्ड अ वुडन पैरट ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। तो द्रोणाचार्य ने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाया और उन्होंने पेड़ के एक ब्रांच पर वुडन पैरट रख दिया, मतलब लकड़ी का एक बर्ड रख दिया, लकड़ी का एक तोता रख दिया ब्रांच पे ट्री के। ही सेड, नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी विथ योर बाउस एंड एरो फॉर द टेस्ट। फिर उन्होंने कहा, तुम सब अपने धनुष और तीर के साथ, एरो के साथ रेडी हो जाओ अपना ये टेस्ट देने के लिए। लुक एट द वुडन बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, यू हैव टू हिट एग्जैक्टली इट्स आईज। उन्होंने कहा द्रोणाचार्य जी ने कि ये जो लकड़ी का जो पैरोट है, ये जो लकड़ी की चिड़िया मैंने ट्री के ऊपर रखी है उसके ब्रांच पे, तुम्हें एग्जैक्टली उसके आँख पर निशाना लगाना है, उसकी आइस पर निशाना लगाना है आपको। ऑल हिज स्टूडेंट्स वेयर एक्साइटेड, दे स्टूड इन अ लाइन फॉर द टेस्ट। फर्स्ट केम भीम। सारे बच्चे क्या हो गए, उनके स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए और एक लाइन में आके खड़े हो गए। तो सबसे पहले कौन आता है, भीम आता है। ही स्ट्रेच हिज बाउ एंड सेट इज हैरो एज ही वॉज अबाउट टू शूट द वुडन बर्ड आए। अभी सबसे पहले भीम आए, उन्होंने अपना धनुष सेट किया, उसमें एरो डाला और स्ट्रेच किया, जैसे ही वो शूट करने वाले थे उसकी आइज में, द्रोणाचार्य सेड, वेट भीम, टेल मी व्हाट डू यू सी। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि रुको भीम, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। भीम रिप्लाइड, गुरुजी, I see the sky, the clouds and the sun. भीम ने कहा, मुझे स्काई दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, आसमान दिख रहे हैं और सूरज दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य सेड, भीम, यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ। तो द्रोणाचार्य जी ने उसे मना कर दिया कि तुम ये जो लकड़ी की चिड़िया है इसे अभी शूट नहीं करोगे। देन केम युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य asked him the same question, tell me what do you see। फिर भीम के बाद कौन आए, युधिष्ठिर आए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को भी सेम क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी, I see the wooden bird, the branches and the tree too। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे भी वुडन की बर्ड दिख रही है, ब्रांचेस दिख रहे ट्री के और ट्री दिख रहा है। नो सेड द्रोणाचार्य, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, तुम अभी शूट के लिए रेडी नहीं हो।
All the students were asked the same question and they all told about many things they saw around. They told that they could see the sky, the clouds, the sun, the tree, the branch, the wooden bird and their friends too. But Dronacharya was not happy with their answers. अभी युधिष्ठिर के बाद उनके एक एक करके सारे स्टूडेंट्स हैं और द्रोणाचार्य जी ने सबको एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, और सब ने यही कहा कि मुझे आसमान, बादल, सन, ट्री, ब्रांचेस और वुडन बर्ड यही सब दिखाई दे रहे. पर द्रोणाचार्य उनके सबके इस आंसर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें कुछ और आंसर सुनना था, इसलिए वो इनके सारे ये आंसर से बिल्कुल खुश नहीं हुए. ही स्टॉप्ड एवरी वन, नो बडी गॉट अ चांस टू शूट द वुडन बर्ड. द्रोणाचार्य जी ने सबको रोक दिया, किसी को चांस मिला ही नहीं उस वुडन बर्ड की आंख पे निशाना लगाने का. फाइनली इट वॉज अर्जुन्स टर्न. अर्जुन वॉज वेरी गुड एट आर्करी. वेन ही केम फॉरवर्ड द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन. अभी अर्जुन का नंबर आया और अर्जुन बहुत ही अच्छे थे आर्करी में, मतलब तीर चलाने में वो बहुत ही अच्छे थे. तो द्रोणाचार्य जी ने उन्हें भी सेम क्वेश्चन किया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, वॉट डू यू सी अर्जुन. अर्जुन लुक्ड एट द वुडन बर्ड एंड फोकसिंग ऑन इट्स आई ही रिप्लाइड, गुरु जी आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द वुडन बर्ड. जब गुरु जी ने उन्हें यही क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा उस वुडन बर्ड के आइस पे फोकस करते हुए कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी आँख दिख रही है. वॉट एल्स डू यू सी, आस्क्ड द्रोणाचार्य. फिर द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा कि और उसके अलावा तुम्हें क्या दिख रहा है. नथिंग एल्स बट द आई ऑफ द वुडन बर्ड, दैट इज ऑल आई कैन सी, रिप्लाइड अर्जुन. तो अर्जुन ने कहा कि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी आँखें दिख रही है इस वक्त. शूट सेड द्रोणाचार्य हैप्पीली एंड अर्जुन शूट द एरो. इट हिट द वुडन बर्ड आईज एग्जैक्टली, द वुडन बर्ड फेल डाउन. द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन्स बैक एंड सेड फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स यू टू अचीव इट. अर्जुन ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन तुम शूट कर सकते हो, शूट करो, और वो बहुत खुश हो गए ये बोलते समय क्योंकि उन्हें यही आंसर सुनना था. तो अर्जुन ने शूट किया और एग्जैक्टली वो बर्ड के आइस पे जाके लगा और वुडन बर्ड क्या हो गई, गिर गई ट्री पे से. फिर द्रोणाचार्य अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा वेरी गुड, अपने लक्ष्य पर फोकस रखने से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं. मतलब हमारा जो लक्ष्य होता है ना किड्स, जो भी हमें पाना है अपने लाइफ में, उसी पे हम फोकस रखेंगे तो हम उसे अचीव कर पाएंगे, हम उसे पा सकेंगे. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल. Thank you for watching. If you like the video, subscribe the channel. Thank you.